हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मार्केट के अंदर मार्केट स्टाइल के जो मोमोज बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे के वैसे मोमोज आप घर पे कैसे बना सकते हैं। और जब आप ये मोमोज घर पे बनाएंगे तो आपके घर वाले डेफिनेटली आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये मोमोज आज बाज़ार से ऑर्डर किए हैं क्या। एकदम परफेक्ट से भी परफेक्ट रेसिपी है ये, घर में ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मोमोज़ को बनाने के लिए, ये देखिए जो परफेक्ट मोमोज़ हैं, हम क्या करेंगे कि गैस पे पानी चढ़ा देंगे पतीले के अंदर तेज़ गर्म होने के लिए। इससे हम आटा लगाएंगे, तो पानी को एकदम अच्छे से आपको बॉईल करना है 2 से 3 मिनट। देखिए बबल्स आने चाहिए। और 2 कप मैंने लिया है मैदा। अब ये जो मैदा मैंने लिया है पूरा भर के 2 कप लिया है, इससे करीब 25 से 30 मोमोज आराम से बन जाते हैं। और इसमें डालेंगे नमक करीब 1 टीस्पून, कोई सा भी नमक ले लीजिए, मैंने पिंक सॉल्ट लिया, जो भी आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। और साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, जो भी आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एकदम तेज़ जो गर्म उबलता हुआ पानी है उससे इस आटे को हम लगाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो आटा हम लगाएंगे वो एकदम हार्ड होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आटे को सॉफ्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है। और जो अक्सर आप लोग गलती करते हो वो ये कि आटे को ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो मोमोज़ का जो आटा होता है वो हमेशा गर्म पानी से लगता है और हार्ड लगता है। मैंने आपको समोसे में बताया था कि आटा कितना हार्ड लगाना है, लेकिन वहाँ पे हमने ठंडा पानी इस्तेमाल किया था। लेकिन मोमोज़ के केस में आटा हार्ड लगेगा, लेकिन पानी हम गर्म इस्तेमाल करेंगे। और गर्म पानी से जब हम आटा लगाएंगे हार्ड, तो हमें उसे बहुत अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पे करीब आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट। देखिए मैंने इस तरीके से आटे को एकदम नरम बनाया है। हार्ड डो बनाना है, कम आटा इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी अच्छे से मसाज करके आपको उसको सॉफ्ट बनाना है। इस तरीके से आटा देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लेंगे और अच्छे से इसकी मसाज कर देंगे। थोड़ा सा प्लेट में आप इसे पटकेंगे करीब 6 से 7 बार, और पटक पटक के देखिए आटे को इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत मेहनत से ये आटा लगाया जाता है, तब जाके अच्छे और परफेक्ट मोमोज बनते हैं। अब मोमोज के ऊपर ऑयल का हाथ लगा के इसे हम करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। और ऑयल का हाथ लगा के गीले कपड़े से नहीं ढकना है, सूखे कपड़े से आपको इसे ढकना है। साथ ही किसी बर्तन से उल्टा करके आप कपड़े को ढक के रख दीजिए। अब आधे घंटे के बाद हम देखेंगे। और 50 ग्राम मैंने लिया है इसमें फ्रेंच बीन्स, 50 ग्राम कैरेट्स और 1 हरी मिर्ची। आप अपनी स्पाइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब इस चॉपर के अंदर मैं सब्जियों को चॉप कर लूँगी। सब्जियों को हमें एकदम बारीक चॉप करना है मोमोज के लिए, तब जाके परफेक्ट फिलिंग बनती है। ठीक है, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन चॉपर से चॉप करने से सब्जियों में अच्छा क्रंच आता है। ये देखिए मैंने ये सारी सब्जियां चॉप कर ली। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल होती है ना मोमोज की, वो होती है पत्ता गोभी। तो करीब 200 ग्राम पत्ता गोभी फाइनली चॉप करके सेम प्रोसीजर से मैंने डाल दी है, करीब 2 कप के आसपास। अब ये जो वेजिटेबल्स है ना, इसमें होता है पानी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी आप सूती कपड़े में या नेट में सब्जियों को डाल के उसका जो पानी होता है ना, वो सबसे पहले आप रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से एकदम टाइट आपको कपड़े को या नेट को निचोड़ के उसका पानी निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम फिलिंग बनाएंगे तो वो ज़्यादा उसमें पानी नहीं होगा, फिलिंग बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि काफ़ी सारे सॉसेस हम उसमें ऐड करेंगे फ्लेवर देने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से एकदम टाइट निचोड़ते हुए सारा का सारा जो पानी है ना सब्जियों का, वो निकाल लिया है। मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है, नमक ऐड नहीं करना है, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस सारी की सारी जो ये सब्जियां हैं, इसका पानी निकल चुका है। अब हम इन सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट भी बनाते हैं सॉसेस डाल के बिना फ्राई करे, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोहे की कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तिल्ली का तेल डालेंगे। हमेशा जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है ना, वो तिल्ली के तेल में बनती हैं, तो हम इसमें डालेंगे तिल्ली का तेल, तिल ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे अपनी सारी की सारी सब्जियां, एकदम फाइनली चॉप जो हमने पानी निचोड़ के रखी थी वो डाल दी है। तेज़ आंच पे आपको इसे लोहे की कढ़ाई में इसे
एकदम स्टर करना है, और इसमें हम चॉप करके लहसुन डाल देंगे, बारीक लहसुन चॉप करा हुआ करीब 2 टेबल स्पून। तो ये जो मोमोज होते हैं ना, इसका जो फ्लेवर आता है वो इतना गजब आता है। अगर फिलिंग अच्छी हो तो मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, और आटा अगर सही लगाएंगे तो मोमोज की आउटर लेयर भी बहुत अच्छी बनती है। अब इस फिलिंग के अंदर तेज आंच पे देखिए, मैं इसे चला रही हूँ कंटिन्यूसली, स्टर फ्राई कर लूँगी करीब 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। और इसमें डाला मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और साथ में डाला 2 टीस्पून टमाटो, हॉट एंड चिली टमाटो सॉस का, मैगी वाला जो आता है ना हॉट एंड चिली टमाटो सॉस उसका, और साथ में 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और इसमें डाला मैंने 1 टीस्पून एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर, जो मैं आपका जो लिंक होता है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, अगर सफ़ेद काली मिर्ची, सफ़ेद मिर्ची नहीं है तो काली मिर्ची भी डाल सकते हैं आप। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं 1/2 टीस्पून, मैं थोड़ा सा स्पाइसी वाला मोमोज बना रही हूँ। और 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है, विनेगर नहीं, मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, ध्यान दीजिए। और 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो ये जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर जो होता है ना, वो एरोमा देता है, फ्लेवर देता है मोमोज की फिलिंग को, और बहुत अच्छी खुशबू आती है मोमोज में, जो बाज़ार में दूर से भी आपको पता चल जाता है कि मोमोज बन रहे हैं वो इसी की वजह से। और जो सफ़ेद मिर्ची है उसकी जगह आप काली मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट पेपर का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओइस्टर सॉस जो होता है वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अच्छे से मैंने करीब 1 मिनट स्टोर फ्राई किया, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों में हल्का सा क्रंच हम रहने देंगे। अब ये जो गरम गरम सब्जियां हैं ना, इसको कढ़ाई में ना छोड़ें, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक परात में निकाल के और सब्जियों को इस तरीके से एकदम फैला लेंगे, इनकी भाप जिससे कि अच्छे से रिलीज़ हो जाए और सब्जियों का क्रंच बना रहे। अब एक छोटी सी देखिए मैंने पेड़ा लिया है आटे का, और उसकी चपाती बेल लेंगे करीब 4.5 सेंटीमीटर्स के अराउंड, ये देखिए इस तरीके से हम इसकी चपाती बेल लेंगे, 4.5 इंचज़ है सॉरी। और इसे इतना मैंने आपको सिर्फ अंदाजे के लिए दिया है एक एस्टिमेट, उस पर पानी का हाथ लगाएंगे इस तरीके से, और 1 टेबल स्पून वाला फिलिंग इसमें डाल देंगे। अब देखिए इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं ये वाला शेप ही आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान भी है, हर फिलिंग के लिए मोमोज का एक डिफरेंट शेप होता है, नॉन वेज, कीमा, मिक्स वेज, सब जो वेराइटीज़ होती है ना फिलिंग, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो मैं आज आपको एक ही शेप का बता रही हूँ, और ये बहुत ही इजी वाला शेप है, और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और वेज फिलिंग के लिए ये शेप परफेक्ट है। तो आप मिक्स वेज भी बना सकते हो, कीमा फिलिंग में भी बना सकते हो, आप चाहें तो नॉन वेज फिलिंग में भी बना सकते हो। नॉन वेज फिलिंग्स जो होती है वो राउंड फ्लावर शेप में बनती हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको मिक्स वेज का शेप देना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा ये शेप है। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, छोटा सा पेड़ा लिया है, बहुत छोटा सा, आपकी 1 टीस्पून में जितना आप आटा ले लेंगे ना उतना मैंने पेड़ा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून देखिए फिलिंग डाली है। और इस तरीके से आपको प्लेट्स बनाने, जैसे साड़ी के प्लेट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको प्लेट्स बनाने हैं, करीब 17 to 18 प्लेट्स बना लीजिए, और इस तरीके से पिंच कर दीजिए, ये देखिए परफेक्ट है। ये सारे के सारे मैंने बना लिए हैं, और अब हमने स्टीमर को, कोई भी इडली का सांचा ले लीजिए, कोई भी जालीदार बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर मैंने लगाया है ऑयल लगा के बटर पेपर राउंड काट के, बटर पेपर लगा के जो मोमोज हम बनाते हैं, तो मोमोज में ना एक तो क्या होता है, जाली पे जब मोमोज रखते हैं तो उनका शेप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बटर पेपर से परफेक्ट रहता है, स्टिक भी नहीं होते। थोड़ा सा हम इनमें ये देखिए पोक करके छेद कर देंगे बटर पेपर में इस तरीके से, और इन पे हम मोमोज को स्टीम करेंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीका है, हर स्टीमर के अंदर अगर आप बटर पेपर लगा के मोमोज को स्टीम करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट रहेंगे, स्टिक बिल्कुल भी नहीं होंगे। और बहुत दूर दूर आपको मोमोज रखना है, क्योंकि स्टीम देते वक्त मोमोज जो होते हैं वो थोड़ा सा शेप में बड़े हो जाते हैं।
अब देखिए तेज आंच पे केवल 10 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है हाई फ्लेम पर। फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए। 10 मिनट के बाद देखिए मोमोज रेडी हैं, इन्हें तुरंत हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ग्लॉसी मोमोज तैयार हैं। इवन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि आप मोमोज पे भी ऑयलिंग कर सकते हैं मोमोज को स्टीम करने से पहले, तो इस तरीके का ग्लॉसी लुक आएगा मोमोज के ऊपर। तो ये एकदम परफेक्ट मोमोज बनते हैं, बहुत ही टेस्टी मोमोज बनते हैं। आप चाहें तो मोमोज बनाने के बाद उनको एयर फ्राई कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं ऑयल में, या फिर आप उन्हें नॉर्मली गैस पे भी उनको स्टोर फ्राई कर सकते हैं मोमोज को। तो जैसा मर्जी आपको उन्हें बनाना है। मोमोज की चटनी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैं इस बार चटनी शेयर नहीं कर रही है। तो आप ये मोमोज प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।